क्या जानू स्टर्न ने अपनी अर्निंग रिफिल कर दी? क्या UK07 एंड आमिर माजिद लद्दाख ट्रिप पे एक साथ में जाने वाले हैं? क्या वाइल्ड वुल्फ को किसी ने धमकी दी है? क्या यही सब मैं आप सबको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ, तो गाइस वीडियो को देखते रहना एंड तक, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर जाओ। हे गाइस, न्यूज़ बाबा हियर। गाइस, हमारी सबसे पहली न्यूज आ रही है जानू स्टर्न की तरफ से। जानू स्टर्न का पॉडकास्ट आया द बकलोल टीवी पर, जहाँ पर उन्होंने आमिर माजिद पर रिएक्ट होते हुए कुछ ये बोला। आपको आमिर माजिद के साथ बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं, पता नहीं समझ नहीं आती कंपैरिजन क्यों करते हैं भाई। मैं स्टंट राइडर हूँ, राइडर है, डिफरेंस है दोनों चीजों में। क्यों स्टंट राइडर के साथ कंपैरिजन करो ना, फिर आएगा मजा। आपकी और आमिर माजिद की होती है बातचीत वैसे? कभी नहीं, नहीं पहले होती थी। अब दोस्त हो? नहीं 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 है, पहले थे तो अब क्यों नहीं? भाई देखो, मैं हूँ अकेला, ठीक है, जम्मू में। आमिर माजिद को छोड़ के कोई एक ऐसा क्रिएटर बता दो जिसके साथ मेरी बातचीत नहीं है और मेरे उसके साथ ब्लॉग नहीं आते। नहीं, मैंने भी फोन किया था, आपने बड़े अच्छे से बोला, बड़े अच्छे से आए, ठीक है ना। मैं मतलब मैं चलो ऐसे बोलेंगे लोग अपनी तारीफ कर रहा है भाई, पर मेरी हर किसी के साथ बनती है। जी एंड गेम है, हर किसी के, कोई ऐसा ब्लॉगर कोई ऐसा कुछ नहीं है। अब भाई मेरी हर किसी के साथ बनती है, और एक बंदा ऐसा है जिसकी भाई किसी क्रिएटर के साथ नहीं बनती, तो भाई ऑब्वियसली दिमाग लगाने वाली बात है, कुछ तो बात होगी ना ऐसी जिसकी वजह से भाई उसकी नहीं बनती किसी के साथ। एंड इसी पॉडकास्ट में जानू स्टर्न ने अपनी अर्निंग भी रिवील कर दी। यूट्यूब इनकम आपकी कितनी थी भाई? 5 लाख। पहली यूट्यूब इनकम भी 5 लाख थी आपकी? उस टाइम सारी वीडियो भाई मिलियन में थी ब्रो। क्या बात है यार। और अभी अगर बात करें जानू स्टर्न, 1 साल से ज्यादा हो गया आपको यूट्यूब को, तो अभी की मंथली इनकम यूट्यूब से सिर्फ कितनी आती होगी भाई? ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, अप्रॉक्स अगर आप बताना चाहो तो। मतलब इतनी आ जाती क्या हर महीने भाई? RC 390 ले सकते हैं। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ RC 390 का प्राइस कितना है। तो हमारी अगली नजर ये आमिर माजिद एंड द UK07 राइडर की तरफ से। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि आमिर माजिद लद्दाख ट्रिप के लिए जाने वाले हैं, तो उनके तरफ से फिर से एक स्टोरी आई जहाँ पर उन्होंने बताया। बाकी लद्दाख राइड के लिए कौन कौन तैयार है? 10,000 कमेंट्स है मुझे पहले एपिसोड पे भाई, मुझे नहीं पता कैसे करोगे। 10,000 कमेंट आने ही चाहिए भाई, तुम्हारा भाई बहुत मेहनत करने वाला है। लद्दाख की जो सीरीज़ रहेगी तो ये बहुत लंबी रहने वाली है, बहुत ख़तरनाक रहने वाली है, तबाही रहने वाली है। तो 10,000 कमेंट्स कल वाले ब्लॉग के बाद आई थिंक लद्दाख की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो जाए। एंड इसके बाद UK07 राइडर ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने बोला कि वो लद्दाख राइड के लिए जाने वाले हैं। ओके गाइस, हम सब लोग ना एक चीज सोच रहे थे, लद्दाख राइड और बाइक्स। क्या बोलता है, सारी सुपर बाइक्स निकाल, तू जीनो से चला लेगा, भव्या हायाबुसा चला लेगी, मैं डुकाटी या फिर S1000RR, क्या बोलते हो? कब इनसे पूछो, कब बताओ यार। हम लोग तो सोच रहे हैं कल परसों में निकल जाएंगे। स्टोरी पे अगर 10,000 रिप्लाईज आते हैं ना, तो इसको तो जीनो से बिठाएंगे। और भव्या हायाबुसा इस बारी पूरी जितनी हमारी बाइक्स है ना गाइस, सबके साथ हम लोग निकल जाएंगे। बताओ गाइस, हायाबुसा बोलो, सारी बाइक्स राइड पे आपको लद्दाख राइड देखनी है, किसी ने नहीं करी होगी 6 सुपर बाइक्स। तो गाइस आप किसके लद्दाख राइड के लिए एक्साइटेड हो, मेरे को नीचे कमेंट करके बताना, आमिर माजिद या फिर UK07 राइडर। तो गाइस हमारे अगले नजर है जट प्रज्योत पाजी की तरफ से। तो गाइस जट प्रज्योत पाजी ने कल H2 की डिलीवरी ली थी, देन गाइस आज उनकी तरफ से एक व्लॉग आउट हुआ जहां पर उन्होंने अपने हेटर्स को रिप्लाई करते हुए कुछ ये बोला। इस बाइक के वास्ते ना बहुत लोगों की नींद उड़ने वाली है, मुझे पता है, पक्का पता है, क्योंकि होता क्या ना, हम अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा करते हैं ना, बहुत सारे बंदे होते हैं चिढ़ने वाले, अरे भाई इसने ये कैसे कर लिया, इसने वो कैसे कर लिया। कभी भी चिढ़ो मत, वो काम आप लोग भी करके दिखाओ तो अच्छा लगेगा। चिढ़ते रहोगे ना अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने बहुत से बंदे हमारे अगले नजर द वाइल्ड वुल्फ की तरफ से। तो द वाइल्ड वुल्फ को किसी ने थ्रेड भेजा है, तो आप लोग खुद देखें। और रही बात जो हेट करने की बात है ना भाई, हेट करने से भाई कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम मेरा, ठीक है, जो भी है ना, जो हेटर्स है ना मेरे लिए। अभी ये जो लड़की है ना मेरे साथ आती है, ओके, अब वो बॉन्ड जो है ना, इससे पूछो कि इसका और मेरा क्या है बॉन्ड, वो खुद बोलेगी लड़की, ठीक है। पहले तुम मुझे ये बताओ, अगर बॉन्ड है वो हम दोनों का है, हम दोनों को पता है कि हम दोनों कैसे हैं? नहीं, वो चीज़ मैं मेरी फैमिली को भी पता है। हाँ, अगर मेरी फैमिली मना नहीं कर रही है तो ये लोग कौन होते हैं ऐसे बोलने वाले कि इन दोनों को अलग कर दो? जो भी बोल रहा है मेरे लिए, बट मेरे को किसी से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ये तो ज्यादा होगा, कल को ये मेरे साथ है ना, इसको कुछ होता या मुझे कुछ होता किसी और की वजह से, सारा ब्लेम तुम पे आएगा। तो हमारे अगले नजर ये एल्विश यादव एंड पायल गेमिंग की तरफ से। तो एल्विश यादव, काफी सारे लोग बोलते हैं कि पायल गेमिंग के साथ में कोलैब करने के लिए, तो इसी चीज पर रिएक्ट होते हुए अपने लेटेस्ट ब्लॉग इस चीज के ऊपर बात किया। जब जनता कह रही थी कर लो पायल के साथ भाई एक मैच, क्या कर दूं पायल मैच? अबे भाई लड़की वो ना बड़े खेलती है, हाँ, और है। वो मुझे हरा देगी तो क्या हो गया? और अगर कोई लड़की हमें हरा दे तो फिर मंजूर। तो अगले नजारे सौरभ जोशी व्लॉग की तरफ से। तो सौरभ जोशी व्लॉग ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में दिखाया कि एक बच्चा है जो कि उनसे राजस्थान से मिलने आया है, एंड वो सौरभ जोशी से मिलने के बाद काफी भावुक हो जाता है। क्या हुआ, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो, कहाँ जाए हो? राजस्थान। रो क्यों रहे हो फिर? यार पैर मत छू। खुश रहो बेटा, खुश रहो।
रो मत। अभी तो था घर मिल गया, अभी तो हर समय थोड़ी। तो गाइस बस आज के वीडियो में मेरे पास इतना ही न्यूज़ था। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो सब्सक्राइब करें बगैर मत जाना गाइस। एंड गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना, क्योंकि गाइस मैं आप सबको अपडेटेड रखता हूँ कि पूरे मोटो व्लॉगिंग कम्युनिटी में चल क्या रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय।